हे भाई लोग, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं माइनक्राफ्ट की दुनिया में कई सालों के बाद मैंने वीडियो डाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को बना बना के खत्म कर दिया और ये मेरा घर तोड़ रहा है। अबे साले, वैसे तुम सबको मेरी अमीरी दिख रही होगी और इस पूरे विलेज में ना मेरे से मेरे कोई नहीं है। अभी मैं बाहर जाऊंगा और अपने विलेज में देखूंगा कि चल क्या रहा है। और हाँ, ज़ॉम्बीज़ से भी लड़ूंगा। ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए और विलेजर्स को अपनी अमीरी दिखाने के लिए मुझे डायमंड का आर्मर पहनना पड़ेगा। वैसे मेरा ये जो घर है ना बहुत बड़ा है और मेरे पास किसी चीज की कमी भी नहीं है। ये देखो मेरे पास कितने ज्यादा आर्मर है। मैं माइनक्राफ्ट के अंदर इतना अमीर बना कैसे, ये सिर्फ लीजेंड्स ही जानते हैं और कोई नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। जिस महान लीजेंड को पता है कि मैं इतना अमीर बना कैसे, यार वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो यही है अपना डायमंड का आर्मर, इसे मैं पहन लेता हूँ। बहुत ही बेकार मेहनत करने के बाद मैंने वो डायमंड का आर्मर पहन लिया और ये तो खैर मेरे घर के बाहर, इतना क्या बताऊँ मैं इसको। इसका थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि मेरे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं फिर भी ये भटक रहा है। खैर वो बात अलग है कि मेरे पास टीवी नहीं है जिससे कि मैं सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख सकूं। और ये डोगी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे अपने मालिक के घर होने चाहिए। जा बेटा जा, अपने मालिक के घर जा। दिन में हजारों करोड़ों लोग तो मेरे घर के बाहर खड़े ही रहते हैं क्योंकि यार इतना आलीशान जो है। कुछ भी, इन विलेजर को यहाँ पे बंद किसने किया, मुझे तो इन्हें आजाद करना पड़ेगा। इनकी जिंदगी इतनी झंड है लेकिन फिर भी इनको ट्रेडिंग करनी है। तुम्हारा मसीहा आ चुका है तुम्हें बचाने के लिए। ये पिकैक्स तो बहुत टाइम लगाता है, तोड़ता भी नहीं है। चलो चलो सारे के सारे बाहर चलो। अरे बकरी तू नहीं जाएगी, चलो अरे बकरी बस बस बस। बकरी बहुत चलाक थी, इसे लगा था ये बाहर चली जाएगी। तो गाइस अभी मेरे को उस विलेजर ने बहुत ही बड़ी जानकारी दी, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं इसे मार देता हूं, पता नहीं कितने सालों से यहीं पे खड़ा है, आज तो इसे आजाद कर ही देता हूं। मैं इसे मार देता हूं जिंदगी से। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं। अभी ये तो बच गया, इसे तो मारना पड़ेगा, इस स्वॉर्ड से मारूंगा इसको। ये ले। तो गाइस वो विलेजर मेरे को कह रहा था कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा विलेजर है जिसके पास एक ऐसी छड़ी है जिसकी मदद से वो कुछ भी बन सकता है, मतलब वो कोई भी मॉब बन सकता है। तो अभी मैं वो छड़ी चुराऊंगा। वो छड़ी एक चेस्ट के अंदर पड़ी है। अभी बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी है तो पहले मैं सो जाता हूँ, सुबह जाके वो छड़ी ढूंढेंगे। बेटे बेटे माज कर दी, माज कर दी वाह बेटे वाह। तो गाइस अब होगा हमारा मिशन छड़ी ढूंढो। तो अभी इस घर से स्टार्ट करते, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो कोई भी चेस्ट नहीं है, मतलब हम गलत कर में है। अभी तक मेरे को एक भी छड़ी नहीं मिले, लेकिन ये वाला घर पड़ा है जिसको मैंने देखा नहीं। अरे इसमें तो चेस्ट भी है। अब मैं चेस्ट खोल के देखता हूँ यार इसके अंदर है क्या आखिरकार। अबे खुल जा। तो गाइस देख सकते हो यार मेरे को जादू की छड़ी मिल चुकी है। अब किस बात की देरी, अभी हम अलग अलग मॉब बनेंगे और देखना कितना मजा आने वाला है। मैंने इस जादू की छड़ी के साथ एक टोटम भी ले लिया जो कि प्लेयर टोटम है, जिससे कि मैं अब वापस प्लेयर बन जाऊंगा। लेकिन ये जादू की छड़ी जिसकी भी थी ना वो बहुत रोएगा क्योंकि ये अब मेरी हो चुकी है। अभी मैं सबसे पहले पिग बन के देखूंगा। अरे ये क्या इतनी आवाज आई थी, मतलब मैं पिग बन चुका हूँ। मेरे बचपन का सुअर बनने का सपना आज इस गेम ने पूरा कर दिया। लेकिन मैं सुअर नहीं कुछ और ही लग रहा हूँ, इस सुअर ने तो आर्मर पहन रखा है और वो भी डायमंड का। और ये दुनिया का पहला सुअर होगा जो क्राफ्टिंग करता है। ऐसे सुअर तुम्हें कहीं नहीं देखने को मिलेंगे सिवाय मेरे चैनल के। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को तो ऑल पर प्रेस करना मत भूलना। अभी मैं पहले स्टीव बन जाता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ क्या करना है। मेरे को सबसे पहले इसका आर्मर उतारना पड़ेगा वरना बार बार आर्मर वाले जानवर बनता रहूंगा मैं। खैर अभी मैंने आर्मर उतार दिया, अब मैं विलेजर बन के देखता हूँ। अरे मैं तो विलेजर तो बन गया लेकिन मैं इससे अलग बनाऊँ, मुझे तो लगा था बिल्कुल इसका डुप्लीकेट बनूंगा। अभी मैं जाके कोई जानवर बनूंगा, इस विलेजर में तो कुछ खास ही नहीं है। अभी मैं एक ऐसी बकरी बनाऊं जो कि क्राफ्टिंग नहीं करती, उसके साथ साथ घर भी बनाती है। ये बकरी ऐसे काम कर सकती है जो स्टीव कभी नहीं कर सकता। ये बहुत ज्यादा आलीशान घर बना रही है अपने लिए। अभी देखना फिर से क्राफ्टिंग करेगी क्योंकि हमारी डर्ट खत्म हो चुकी है। वैसे बकरी ने डर्ट कहाँ से पकड़ी है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये करी जा रही है। अभी रात होने वाली है, मतलब मैं बनूंगा ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी बन के ज़ॉम्बी के पास जाऊंगा, देखूंगा वो मुझे मारेगा कि नहीं। बस थोड़ी देर और फिर रात हो जाएगी। इसने तो अपना घर भी कंप्लीट कर लिया, बस एक दरवाजे की जरूरत और घर कंप्लीट। ऐसी बकरी कहीं भी ढूंढ के दिखा दो, मान जाऊंगा तुमको। आज तो मैं ज़ॉम्बी बन गया, लगता है ये गेम मेरी सारी विशेष कंप्लीट करके की। आज तो मैंने सारी हदें पार कर दी, क्रीपर भी बन गया मैं तो। थंबनेल में मैंने भी तर लगा रखी है लेकिन मैं वो नहीं बनने वाला क्योंकि मेरा सारा वर्ल्ड खराब हो जाएगा। वैसे इसके हाथ तो है नहीं लेकिन फिर भी क्राफ्टिंग कर लेगा, ऐसा क्रीपर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पहले कहां क्रीपर को देख के भागा करता था, आज तो खुद ही क्रीपर हूं। लेकिन मैं फटू कैसे, इसको फोड़ना भी नहीं आता मेरे को तो। ये वाला क्रीपर तो मेरे को दोस्त समझ रहा है लेकिन इसको क्या पता मैं कौन हूं। आंखों का धोखा तो क्रीपर को भी लग जाता है। और एक वो भी मॉब था जो खतरनाक था, ब्लैक कलर का, उड़ जाता था कहीं कहीं, क्या नाम था उसका। अगर वो दिखाई देता वो भी बन जाता मैं तो। अरे मैं क्रीपर हूं बस, डर लो कोई। अरे एक विलेजर तो मेरे से डरता भी नहीं है, उस ज़ॉम्बी से डर रहा है। ऐसा क्रीपर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा जिसके हाथ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो डायमंड के स्वॉर्ड पकड़ लेता है। इस क्रीपर को आर्मर पहना के देखता हूँ क्या होता है, इसको कैसा लगेगा। इस क्रीपर को तो डायमंड का पहना देता हूँ, पहली बार जिंदगी में इसको कोई अच्छा काम मिल रहा है। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको डायमंड का ये पहना के, इसको तो पहचान में भी नहीं आ रहा कौन है ये। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गेमिंग चेयर रखी हुई है और लैपटॉप्स भी। ये सब तुम्हें मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी चलो। ये क्या टीवी कहाँ से आ गया, मैंने तो पहले कहा था मेरे पास टीवी नहीं है। अरे मैं भूल गया था। खैर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ही प्रेस करना।